Good morning, everyone. Now again I am here. How are you? Yes, you are fine. Very good. Then now again with online classes in front of you, and I hope so all are enjoying. So now can we start the class? Yes. हम अपनी हिंदी विषय की कक्षा के साथ आज पुनः मिल रहे हैं, और मैं जहाँ तक जानती हूँ मेरे सभी बच्चों को हिंदी विषय पसंद आ रहा होगा और समझ भी आ रहा है ना। आप लोगों ने जिस तरह से रिस्पांस दिया है, आपकी जो नोटबुक्स हम लोगों ने चेक किया है और जिस तरह से आपने अपना वर्क हमें वहाँ से साइन किया है, उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी बच्चों को मेरी बताई हुई बातें और समझाया हुआ विषय अच्छे से समझ में आ रहा है। वे लोग उसके प्रति दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। तो थैंक यू माई ऑल स्टूडेंट्स फॉर योर गुड रिस्पॉन्स एंड योर इंटरेस्ट। तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद में बेटा अपनी जो टेक्स्ट बुक है ना, हिंदी विषय की जो पुस्तक है, उसको हम फिर से एक बार ओपन कर रहे हैं। आप सबकी जो फेवरेट वाली कौन सी बुक है ना, मयूर पंख। हमने उसमें चैप्टर 1, 2, 3 पढ़े थे। कोणार्क वाला पढ़ा था, हम लोग घूमने गए थे, फिर हमने संकल्प लिया था पहले वाले पार्ट में, है ना। तो दूसरे पार्ट में याद है पहली अदाकारी, हाँ, श्रवण कुमार वाला। उसके बाद में फिर हम लोग ने अपना ग्रामर वर्क स्टार्ट किया था, जिसमें हमने भाषा और संज्ञा और उसके भेद और शब्दों के बारे में पढ़ा था, लिंग के बारे में पढ़ा था। तो आज बहुत दिन के बाद में हम अपने मयूर पंख का पार्ट 4 बाघ का ब्याह पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग अपनी पुस्तक का पेज नंबर 25 ओपन करेंगे, ओके, और हमारे साथ आज रीड करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम आपको बता दें कि जैसे आप इस पाठ का नाम पढ़ते हैं ना, बाघ का ब्याह, वाओ, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई अच्छा वाला पाठ है ना। एक तो इसमें कौन है, बाघ है। बाघ को पहचानते हैं आप लोग, कभी नाम सुना है? हाँ, शेर के बाद में अगर कोई सा जंगल में डरावना या भयानक जानवर है तो वो कौन सा होता है, बाघ होता है, क्योंकि उसमें भी शेर जितनी ही ताकत होती है ना। तो बाघ का नाम सबने सुना होगा, हाँ, इंग्लिश में ज़्यादा सुना है, हिंदी में थोड़ा सा कम सुनने में आता है, तो थोड़ा नया नया, मैम ये कहाँ होता है, कौन सा होता है, फिर जैसे मैं बोलूँगी ना कि ये वाला, तो आपको समझ में आ जाता है, टाइगर से आप कहते हैं, है ना, लॉयन यानी तो शेर होता है। तो आज हम पढ़ेंगे बाघ का ब्याह। ब्याह यानी विवाह या शादी। चूंकि पाठ के नाम में देखिए बहुत शब्दों में सिमिलरिटी है, एक समान लगती है, बाघ का ब्याह। पहले ये जान लीजिए कि हमारा ये जो पाठ है वो किस विधा पर आधारित है। विधा यानी कि आपकी हिंदी भाषा का कौन सा वाला लिखित रूप है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि हम अपनी भाषा में कई रूप यूज करते हैं। कभी हम अपनी बात को बहुत सीरियसली बोलते हैं, कभी हम अपनी बात को बहुत नॉर्मल से शब्दों में बोलते हैं, कई बार हम अपने शब्दों को गा कर भी बोलते हैं, कई बार हम अपने मन के भावों को कविता का रूप दे देते हैं। तो इस तरह हिंदी भाषा में अपने शब्दों या अपने विचारों को प्रकट करने के कई तरीके होते हैं, जिसे हम विधा कहते हैं। और हम इस विधा में अपने हिंदी बुक में 3 विधाएं पढ़ चुके हैं। एक आपने पढ़ा था कविता पाठ 1, है ना, संकल्प, जिसमें कवि ने अपने मन के भावों को कैसे प्रकट किया था, लाइनों के रूप में, पंक्तियों के रूप में, और वो भी पंक्तियाँ कैसी थी जो एक दूसरे से अंत में मैच करती थी और जिसको हम पढ़ सकते हैं और गा भी सकते हैं, लय के रूप में जिसे हम पढ़ सकते हैं, वो था कविता विधा। फिर सेकेंड हमने अपनी हिंदी पुस्तक में जो विधा पढ़ी थी वो थी संस्मरण, यानी थे उसमें भी हिंदी भाषा के ही शब्द, लेकिन कैसा था, वो एक व्यक्ति के विशेष जीवन के या जीवन के एक स्पेशल पार्ट के बारे में था, है ना। उसमें उस व्यक्ति ने अपने मन के उस भाव को प्रकट किया था जो उसके साथ बचपन में हुआ था, और उसने सिर्फ उसके बारे में लिखा था। फिर हमने इसमें एक जो हिंदी की तीसरी विधा पढ़ी थी वो कौन सी थी, याद कीजिए, यात्रा वृत्तांत था, याद आया, हमने बताया था यात्रा वृत्तांत मतलब आप कहीं घूमने गए हैं और वहाँ के बारे में आप लिख रहे हैं, यानी अपनी पूरी यात्रा का वृत्तांत, वृत्तांत मतलब वर्णन आप करते हैं। आपने बोला पूरा हिंदी में ही है, पाठ पूरा हिंदी में ही लिखा है, उसके सारे शब्द हिंदी भाषा के ही हैं,
लेकिन आपने उसमें देखा होगा कहीं पर भी दो लोगों के बीच में बात करते हुए नहीं दिखाया गया है, कोई भी बात उसमें मनगढ़ंत नहीं है, सारी चीजें वो लिखी गई है जो बिल्कुल आंखों से देखी गई है या देखने के बाद जो उनको महसूस हुई है। सूर्य मंदिर को उन्होंने देखा, उसकी हर चीज के बारे में सच्चाई से लिखा, क्योंकि यात्रा जब हम करते हैं तो जो भी चीज आती है वो हमारे आंख के सामने प्रत्यक्ष होती है। आज हम अपनी हिंदी की जिस विधा को पढ़ रहे हैं वह एक कहानी है। यस, कहानी बच्चों की सबसे प्यारी वाली हिंदी विधा है ना। अगर भाषा में अपनी विचार को व्यक्त करना या किसी और के भावों को सुनने का ये वाला जो रूप होता है वो बच्चों का सबसे पसंदीदा रूप होता है। मान लीजिए अगर मुझे आपको कुछ समझाना है, कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, कोई बात ऐसी है जो बहुत गहरी होती है, तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले अपनी बात को एक कहानी का रूप देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि कहानी के रूप में अपनी बात को समझाना बहुत आसान होता है। वो इसलिए क्योंकि जब सामने वाला उसे सुनता है ना, तो उसे ये लगता है कि हाँ ये किसी और के बारे में कहा जा रहा है, और उस कहानी के अंत में हम अपने मन की बात को उस शिक्षा के रूप में दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों को, या मान लीजिए किसी बड़े व्यक्ति की भी अगर कोई गंदी आदत होती है, या अगर हमें उसे कुछ बताना होता है, समझाना होता है, तो अगर मैं सीधे शब्दों में कह दूं कि बेटा झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाता है। आपको कैसे पता है मैंने झूठ बोला? क्या मैं झूठ बोलता हूँ और मेरे झूठ बोलने से किसी को क्या नुकसान हुआ? नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सही बात तो यही है ना कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं समझता है तब क्या होता है, हम उसको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, और उस स्टोरी को हम ऐसे सुनाते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि किस तरह झूठ बोलने से नुकसान होता है और झूठ बोलना सही नहीं होता है। व्यक्ति कहानी के रूप में किसी भी बात को सुन लेगा, मान लेगा, क्योंकि अगर डायरेक्टली मैं अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस कहूँ कि देखो मैंने एक बार झूठ बोला था, मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे ये नुकसान हुआ, तो सामने वाला या व्यक्ति जो होता है ना वो क्या सोचता है, कुछ नहीं होता, इसके साथ हुआ तो क्या मेरे साथ तो ऐसे जरूरी तो नहीं है, मैं और अच्छे से झूठ बोलूंगा। लेकिन वो ये नहीं समझता कि झूठ हर हाल में झूठ ही होता है। लेकिन जैसे मैंने स्टोरी बनाई, मैं उसे ये नहीं कहूंगी कि मेरी स्टोरी है, मैं उसे कहूंगी कि एक लड़का था, मेरे पड़ोस में कोई एक लड़का था, फिर उसके साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसे झूठ बोला, फिर एक दिन वो उसका झूठ पकड़ा गया, उसको ये नुकसान हुआ, तो पता है क्या होता है, सुनने वाला व्यक्ति उसको समझ जाता है और उसको ऐसा लगता है कि हाँ उस व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उसके साथ है नहीं तो उससे अपना कंपैरिजन नहीं करता। मैं अगर अपनी बात बनाकर उसे बोलूंगी तो वो मुझसे कंपैरिजन करेगा और क्या करता है कि वो उस बात को मानता नहीं है। लेकिन आप स्टोरी के रूप में चाहें तो अपने मन की कोई सी भी बात किसी को बड़े आसान से शब्दों में बता सकते हैं, क्योंकि कविता की तरह सुंदर सुंदर शब्द नहीं लगाने पड़ते हैं कहानी में, संस्मरण की तरह बिल्कुल हमें ओरिजिनलिटी नहीं बतानी पड़ती है, उसके साक्ष्य नहीं देने पड़ते हैं, ना ही यात्रा वृतांत की तरह हमें उस जगह के बारे में पूरा ले जाके बताना पड़ता है कि मैं जंगल में गया था और फिर वहां पर मुझे शेर मिला, बोलेगा बताओ कौन से जंगल गया था, फिर आपको उसको पूरा जंगल का नाम पता, पूरा जो दिशा है वो सब बतानी पड़ेगी, तब जाके वो बिलीव करता है। लेकिन कहानी ऐसी चीज होती है बेटा, एक ऐसा तरीका होता है अपनी बात को बताने का जिसमें आपको कोई भी साक्ष्य भी नहीं देना पड़ता है और व्यक्ति नॉर्मली आपकी बात को समझ जाता है। तो कहानी जो होती है आप सभी ने बचपन से सुनी हुई है, और मैंने पहले कहा था कि सभी बच्चों का सबसे प्यारा वाला अगर भाषा को सुनने का या किसी के मन की बात को जानने का तरीका होता है तो होता है कहानी। कोई मिला, दादी चलो कहानी सुनाओ, नानी चलो कहानी सुनाओ, दीदी आप बहुत दिन बाद आए हो आप कहानी सुनाओ। अब उस कहानी में वो क्या बोल रहे हैं, वो सच है या झूठ है हमें नहीं पता, लेकिन हम बिलीव कर लेते हैं और कहीं बहुत हद तक उसको मान भी लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो कहानी है। कहानी आप इमेजिन करके भी बना सकते हैं और रियल चीजों पर भी बना सकते हैं। कहानी में ये बाउंडेशन नहीं होती है बेटा, है ना। आप
ये भी बता सकते हैं, एक परी थी, लाल परी, आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। जबकि आप जब बड़े हो जाते तो आप खुद जान जाते कि परी जैसी कोई चीज नहीं होती है। हर वो अच्छा व्यक्ति जो सबके साथ अच्छा ही करता है, जो समय आने पर आपके साथ भलाई करता है, वो कहीं ना कहीं एंजल होता है ना। जरूरी तो नहीं कि परी हमेशा ही होती है, लेकिन बचपन में जब जब मम्मी पापा ने कहा कि बेटा एक परी होती है जो हमारे ख्वाबों को, हमारे सपनों को पूरा करती है, हमें उससे गुड विशेस मांगनी चाहिए, हम बिलीव कर लेते थे, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, हमें धीरे धीरे लगा कि पापा परी तो मैंने कभी देखी ही नहीं। उस दिन जब पापा ने कहा कि बेटा परी नहीं होती है, लेकिन अच्छे भले लोग ही क्या होते हैं, परी या भले दूत होते हैं, देव के दूत होते हैं, तब हमने उनकी बात मान ली। तो कहानी जो होती है बेटा, कई बार व्यक्ति की मानसिकता को देखते हुए भी उसको सरल शब्दों में समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका होती है। तो आज हम लोग भी आपको एक ऐसी ही कहानी पढ़ाने वाले और सुनाने वाले हैं, और सभी बच्चे आज मेरे साथ उस कहानी को पढ़ेंगे। और जहाँ तक अगर आपकी हिंदी भाषा अच्छी हो गई है और आपको अगर मेरी बात समझ में आने लगी है, तो नेचुरल सी बात है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको समझाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि ये कहानी है और कहानी में सब कुछ होता है ना। उसमें चिड़िया तैर भी सकती है और हाथी उड़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो कहानी है। कहानी मतलब मेरे मन की इमेजिनेशन है, उसमें मुझे आपको कोई प्रूफ नहीं करना है कि ऐसा था, यहाँ था, वैसा होगा और वैसा ही होगा। नहीं, कहानी अधिकांशतः हमारी इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति पर चलती है, और कल्पना शक्ति तो कहीं भी जा सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। मैं राजा भी बन सकता हूँ और रानी मेरी फ्रेंड भी बन सकती है। जो हम सोचते हैं कई बार नहीं, 99.9% टाइम व्यक्ति जब कोई कहानी कहता है तो उसमें उसकी इमेजिनेशन में वो सारी चीज़ें होती हैं जो वो कर नहीं पाता है, जब वो करना चाहता है या जो उसने सोचा होता है, वो अपनी सोच को ही कहानी का रूप दे देता है। तो हमारी इस वाली कहानी में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, तो प्लीज ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि ये कहानी है और कहानी में ही बाप का ब्याह हो सकता है। वरना नॉर्मली रियलिटी में आप भी जानते हैं कि बाघ एक जानवर है ना। जानवरों में शादियां कहाँ होती हैं? वहां तो वो अपने आप ही झुंड में रहते हैं, है ना। अगर जानवर के अंदर इतनी सोच, इतनी समझ आ जाती तो वो तो इंसान के इक्वल हो जाता ना। लेकिन चूंकि ये कहानी है, कई बार जब आपको पेरेंट्स बोलते हैं या हमारे पुराने लोग हमें जब बोलते हैं बेटा कि बेटा शाम को पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ते या पेड़ को परेशान नहीं करते हैं, तो आप लोग पूछते हैं ना ऐसा क्यों, तो वो लोग क्या कहते हैं, अरे पेड़ को दर्द होता है, पेड़ को तकलीफ होती है, शाम के बाद पेड़ सो जाते हैं। फिर आप लोग और बोलते हो ऐसा कैसे हो सकता है कि पेड़ सो जाता है, पेड़ को कैसे दर्द होगा, पेड़ तो वहीं का वहीं खड़ा है, कुछ उसके अंदर जान थोड़ी ना है, यही बोलते हैं ना। फिर आपके सामने वाला व्यक्ति आपको क्या करता है, उससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट वो बताता है आपके माइंड में नहीं जाता, लेकिन अगर उससे जुड़े हुए फैक्ट को हम स्टोरी में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, आप उसको मान लेते हैं, है ना, बड़ी आसानी से उस बात को समझ जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर बाप का ब्याह तो हो रहा है। हम अच्छी तरह से, मैं जहाँ तक जानती हूँ सभी बच्चों के माइंड में जो उनका मस्तिष्क है बहुत तेज चलता है ना। और आजकल के तो जो बच्चे हैं वो बिना फैक्ट के कोई बात मानते ही नहीं है, तो उनका माइंड का जो 90% वो ही कहेगा मैम बाप जानवर है, जानवर है, जानवर है, उसका ब्याह कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। लेकिन आपको अपने उस 90% वाले माइंड को समझाइए कि हाँ ये स्टोरी है और ये आपके और हमारे लिए है। हर स्टोरी का कुछ ना कुछ मोरल होता है, तो ऐसे ही हमें ये स्टोरी भी दी गई है कल्पना शक्ति के आधार पर, लेकिन हमें इसको पढ़ना है एंजॉयमेंट के लिए, और इसका जो मोरल है उसको हमको अपनी लाइफ में यूज करना है। और दूसरी चीज, जब भी आप किसी चीज को पढ़े बेटा, तो हमेशा इंटरेस्ट के साथ में पढ़े, ये समझ कर पढ़े कि वो न्यू है और हमारे लिए वो पहली बार है ना। उसमें आने वाले डिफरेंट डिफरेंट न्यू वर्ड्स को एंजॉय करें, क्योंकि भाषा में प्रतिदिन
जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ न कुछ नया हमें मिलता ही है ना। तीसरी चीज, अगर आपने अपने माइंड में सेट कर लिया कि ये हो ही नहीं सकता, ये तो वो है, आप उसमें जो मोरल दिया है, जिस चीज के लिए, जो बताने के लिए आपको वो पार्ट दिया है, आप उसको कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने तो अपने माइंड में सेट कर लिया है बाघ जानवर है, बाघ का ब्याह नहीं हो सकता। अरे हो सकता है। हमें कुछ देर के लिए अपने माइंड को पूरा फ्री छोड़ना है, तब हम अपने पार्ट को एंजॉय कर पाएंगे। तो कैन वी स्टार्ट नाउ? यस। तो सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे, आप वहाँ पर उसे दोहराएंगे, क्योंकि जब हम साथ में पढ़ते हैं तो बहुत सरल सी बात है, हमारा प्रोनाउंसिएशन क्लियर शुद्ध हो जाता है ना। चलिए, पहली बात ब्याह है ना। वैसे तो ब्याह जो होता है वो मनुष्य जाति में होने वाला सबसे पवित्र कार्य होता है। कार्य मतलब संस्कार। जब बच्चा पैदा होता है ना बेटा, तो उसके जन्म लेने से लेकर उसके मरने तक, जब उसकी मृत्यु होती है, इतने पूरे जीवन काल में और उसके जाने के बाद में भी उससे जुड़े हुए 16 संस्कार, संस्कार मतलब 16 इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स उसकी लाइफ में उससे जुड़े हुए होते हैं और किए जाते हैं उसके रिलेटिव्स के द्वारा या कई बार उसके खुद के द्वारा, है ना। जैसे बच्चे का जन्म लेना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, प्रोग्राम होता है। फिर वो छठे या दसवें दिन जो होता है उसका अन्नप्राशन होता है ना। फिर 6 महीने के बाद में होता है, फिर उसका नामकरण होता है, तो नेम सेरेमनी भी होती है। फिर जब बच्चा बड़ा होता है उसके जनेऊ संस्कार होता है। फिर उसके पहले जब वो स्कूल जाता है तो उसका विद्याध्ययन का संस्कार होता है, वो भी उसके जीवन का पहला काम होता है। तो जब जब मनुष्य के जीवन में कोई बड़ा और नया कार्य जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, उसको एक प्रोग्राम के रूप में हमारे हिंदू धर्म में मनाया जाता है, क्योंकि वो चीज़ बाद में होगी लेकिन वो दूसरी बार होगी, पहली बार तो नहीं होगी। एक बच्चे जिसने जन्म लिया, 6 महीने के बाद में वो खाना शुरू करता है, उसके पहले डॉक्टर भी मना कर देते हैं, और नॉर्मली भी वो किसी चीज़ को निगलने की स्थिति में होता है। तो जब वो 6 महीने के बाद उसके दांत वगैरह आते हैं और वो बाकायदा टेस्ट लेने लगता है, तो जब भी बच्चा पहली बार कुछ चीज़ खाता है ना, उसका भी एक प्रोग्राम होता है। आप चाहें तो अपने घर में अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, अपने आसपास वालों से पूछ सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आज उनके बच्चे ने पहली बार अन्न खाया है, दूध तो वो पी रहा था, सेरेलेक तो ठीक है आजकल हम देते, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो पहली बार आप मनुष्य जीवन में, और पहली बार आपके मुँह में अगर अनाज का दाना धान गया है, तो वो बहुत बड़ी बात है। पूरी जिंदगी फिर आप खाते ही रहेंगे, लेकिन वो भी हमारे लिए एक बड़ा प्रोग्राम हो जाता है, कार्यक्रम हो जाता है। फिर जब आपका नाम रखा जाता है, नामकरण संस्कार भी होता है। क्यों बड़ा होता है? अरे भाई, आप जीवन में आए हो, मनुष्य बन के पैदा हुए हो, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? आपका नाम होगा। तो जिस दिन आपका नाम रखा जाएगा, वो दिन भी तो इम्पोर्टेंट हुआ ना, वो भी हमारे लिए एक स्पेशल प्रोग्राम होता है। ऐसे ही शादी या विवाह जो होता है, वो भी मनुष्य के जीवन में उससे जुड़े होने वाले प्रोग्राम्स में से एक इम्पोर्टेंट कार्यक्रम होता है बेटा, है ना। वो लाइफ में एक ही बार होती है, बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि उसके लिए भी बहुत लंबी प्रोसेस होती है, बहुत पहले से तैयारियां होती हैं। जैसे मनुष्य के धरती पर आने से पहले, यानी जब वो जन्म लेता है, उसके पहले 9 महीने पहले से उसके आने की वो चालू हो जाती है प्रोसेस, कि अब इतने दिन बाद अब बेबी आएगा, खुशी वो चलती है। जब वो आता है तो वो खुशी एकदम से बाहर आती है और वो प्रोग्राम के रूप में मनाई जाती है। ऐसे ही जब हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा चलना शुरू होगा, जब वो चलना शुरू होता है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। मनुष्य की आदत होती है, उसके साथ जब भी कुछ न्यू होता है, उसके लिए वो एक बड़ा सा इवेंट हो जाता है। जब आप पहली बार स्कूल आए थे, है ना, कई पेरेंट्स या बहुत से लोगों की ऐसे मान्यता होती है कि अगर बसंत पंचमी जो होती है, सरस्वती देवी जी का जो दिन होता है, उस दिन बच्चों का नाम स्कूल में लिखवाया जाता है, एडमिशन कराया जाता है, ताकि उनके ऊपर हमेशा सरस्वती का हाथ रहे। आप उसके बाद में कंटिन्यूस पढ़ेंगे अपनी लाइफ में, लेकिन विद्या अध्ययन के लिए, यानी शिक्षा प्राप्ति के लिए, आपने अपना जो पहला कदम, फर्स्ट स्टेप जो उठाया है, वो आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी तरह शादी भी मनुष्य जीवन का एक बहुत ही इंतज़ार वाला, बहुत प्रतीक्षारत पल होता है, और हर किसी के ये वो इतना होता नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो जाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पहले से तैयारी लगती है, एक सही व्यक्ति चुना जाता है, उसको चुनना भी बहुत बड़ी परेशानी होती है,
है ना। तो उसके बाद में इतनी तैयारी, इतना विचार करने के बाद में जब वो दिन आता है, जब वो व्यक्ति मिलता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मनुष्य जाति जो होती है उसमें विवाह को एक बहुत पवित्र बंधन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा बंधन होता है बेटा जो दो लोगों के विश्वास पर टिका होता है। लड़का किसी और जगह का, लड़की किसी और जगह की होती है। सालों तक बचपन से लेकर वो अपनी यौवनावस्था तक 20-25 साल वो एक अलग अलग वातावरण में रहते हैं, है ना। कोई हो सकता है किस घर का, उसके घर में क्या रीति रिवाज हो, उसके घर में खाने पीने का क्या सिस्टम हो। एक व्यक्ति जिसके घर में अलग अलग तरीका निभाया जाता है, रीति रिवाज अलग होते हैं, वो दो अलग अलग व्यक्ति एक दिन 25-30 साल के बाद में मिलते हैं, फिर वो अपनी रुचियां, अपने शौक, अपनी अच्छाइयां बुराइयां बताते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उसके बाद वो पूरी लाइफ साथ में गुजारने का डिसीजन लेते हैं। तो ये बहुत विश्वास पर टिका हुआ बंधन होता है और पवित्र इसलिए होता है बेटा क्योंकि माता पिता और बच्चों का जो बंधन होता है, जो रिश्ता होता है, रिलेशन होता है, उसके बाद यदि कोई सेकेंडरी सबसे पावरफुल रिलेशन होता है तो वो होता है हस्बैंड वाइफ का, पति पत्नी का, जो कि विवाह की रस्म के बाद ही बनता है। एक रिश्ता जो माता पिता और बच्चों के बीच बनता है वो लाइफ टाइम चलता है ना। और दूसरा रिश्ता होता है पति पत्नी का, जो सेकेंड नंबर का रिलेशन है, लेकिन वो भी चलता कैसा है, लाइफ टाइम। आप ध्यान रखिएगा, जब हम छोटे होते हैं हम अपने मम्मी पापा पे डिपेंड होते हैं, एक उम्र आती धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं, है ना, फिर आपकी शादी होती है और धीरे धीरे फिर आपका उस व्यक्ति से बाउंडेशन पक्का होता जाता है। और कुछ समय के बाद में जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, है ना, और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तब आपके साथ में आपका सबसे पुराना साथी कौन बचता है, आपका लाइफ पार्टनर, है ना। यानी कि आप अपनी लाइफ का आधा हिस्सा अपने पेरेंट्स के साथ में गुजारते हैं और अपनी लाइफ का आधा हिस्सा अपने पार्टनर के साथ में। तो जब आप अपनी लाइफ का आधा आधा हिस्सा दो लोगों के साथ बिता रहे हैं, यानी दोनों ही आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं, दोनों की अपनी अपनी एक ज़रूरत है और दोनों अपनी जगह बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए हमारे समाज में विवाह जैसे बंधन को बहुत पवित्र माना गया है। आप कहाँ जन्म लेते हैं, आपके माता पिता कौन होते हैं, ये आपको नहीं पता होता है, वो ईश्वर चुनता है कि आपको किसके घर में जन्म लेना है। आप जब अपने माता पिता के साथ में रहते हैं तो उनके साथ आपका बाउंडेशन बहुत पक्का होता है ना। आप अपने मन की हर बात उन्हें बताते हैं, हर चीज़ उनसे शेयर करते हैं, हर चीज़ के लिए उनसे परमिशन लेते हैं। आपको दुनिया में सबसे प्यारे वही होते हैं, माँ बाप को बच्चे और बच्चों को माँ बाप। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका खून का रिश्ता होता है, ब्लड रिलेशन होता है। मम्मी पापा कहते हैं कि हमने आपको जन्म दिया है, आपको हमारी बात माननी चाहिए। बच्चे अपने मम्मी पापा की बात क्यों मानते हैं? क्योंकि हाँ, वो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, वो हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं, तो हमें हर चीज़ में उनसे परमिशन लेनी चाहिए, हर बात उनसे हमें शेयर करनी चाहिए। क्योंकि जब से आप पैदा हुए हैं, जब से आप इस दुनिया में आए हैं, आपने सबसे पहले उन्हीं को जाना है, उन्होंने आपको खाना पीना चलना फिरना दुनिया को देखना समझना सिखाया है। यदि ईश्वर के बाद यदि आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो वो किस पे करते हैं? अपने पेरेंट्स पे करते हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चों पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको जन्म दिया, वो जानते हैं कि इसके अंदर जो भी आदतें वो सब हमने डेवलप की हैं, ये अच्छा है या बुरा है, जो भी है ये मेरा बच्चा है ना, ये मुझसे जुड़ा हुआ है, इसका सीधा इफेक्ट मुझ पे पड़ता है। लेकिन जब आप विवाह के बंधन में बनते हैं, तब आप जिस व्यक्ति को अपने आगे की पूरी लाइफ के लिए चुनते हैं, उस व्यक्ति को आपने अपनी पूरी सोच और समझदारी के साथ में चुना है। वो व्यक्ति आपको आपकी लाइफ के लास्ट टाइम तक साथ देने वाला है। एक व्यक्ति जिस आपके साथ आपकी लाइफ की स्टार्टिंग से जुड़ा था, और एक व्यक्ति जो आपकी लाइफ के एंड तक आपसे जुड़ा रहेगा। तो बहुत सीधी सी बात है, उन दो लोगों के साथ में हमारा जो भी रिलेशन होता है वो दुनिया का सबसे पवित्र स्पिरिचुअल होता है बेटा, क्योंकि उसमें कोई शर्त कोई बाउंडेशन नहीं होती है। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों के लिए जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो कीमत को ध्यान में नहीं रखते,
उसी तरह जब आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए कोई काम करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं या कुछ खर्च करते हैं, वहां पर हम कीमत को ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो चीज हमारे घर में ही आने वाली है, हमारे लिए यूज होने वाली है या कहीं ना कहीं वो हमसे ही जुड़ी हुई है। मान लीजिए अगर वाइफ है, वो अगर कुछ भी खरीदती है तो वो सामान तो घर में ही आएगा ना, वो उस फैमिली के लिए यूज होगा। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कुछ खरीदते हैं या अपने घर के लिए कुछ खरीदते हैं, मतलब वो दोनों उसका यूज करेंगे, तो वो कभी कीमत को ध्यान नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि बोलने से पहले भी हमें उन लोगों से जब हम बात करते हैं, जैसे आप अपनी मम्मी पापा से कुछ शेयर करते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता है कि मैं ऐसा कुछ बोलूँगा तो बुरा लग जाएगा। उसी तरह लाइफ पार्टनर से भी जब हम बात करते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो हमें सोचना नहीं पड़ता, क्यों? हम जानते हैं कि वह व्यक्ति हमें बहुत अच्छे से समझता है। तो जब आपके साथ किसी की ऐसी फाउंडेशन हो, ऐसा रिलेशन आपका किसी के साथ हो, तो बहुत सीधी सी बात है, वो बिल्कुल भी इग्नोर करने वाला नहीं है, बल्कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पवित्र है, ईश्वर के तुल्य है। जैसे हम भगवान से झूठ नहीं बोलते हैं, हम अपने माता पिता से झूठ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल वैसे हम अपने पार्टनर के साथ में भी कभी भी कोई बुरी आदत का यूज नहीं करते हैं। लेकिन हमारा किसी से इतना पवित्र प्यारा रिश्ता जुड़े, उस बंधन को बंधना जरूरी है, उसके बारे में जानना जरूरी है ना। बच्चों के लिए शादी क्या होती है? किसी की शादी ब्याह में गए हैं, खाना पीना ढेर सारा, मस्ती करना, यहाँ वहाँ घूमना, ढोल बज रहा है, नाच रहे हैं, वो सब शादी ब्याह नहीं होता है बेटा। शादी ब्याह का मेन उद्देश्य पता है क्या होता है? वो वहाँ पे जो पूजा का कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ दो लोग अपनी पूरी लाइफ आगे साथ गुजारने के लिए कुछ रस्में निभा रहे हैं, कुछ वादे कर रहे हैं, कुछ कसमें दी जा रही उन्हें, और बाकायदा इतने सारे लोगों की उपस्थिति में वो कार्य हो रहा है, यानी कि वो पूरे समाज के सामने सबसे पवित्र बंधन में है। आपके अगर शादी ब्याह के प्रोग्राम में खाना नहीं होगा, चलेगा, है ना, थोड़ा सा कोई चीज़ कम दी जाएगी या ली जाएगी, चलेगा, लेकिन उन दो लोगों का और उन दो लोगों के साथ में समाज के 10 लोगों का होना जरूरी होता है। उनके सामने वो उन रिवाजों को निभाते हैं और तब सब जानते हैं कि हाँ, ये दो लोग जो है वो एक दुनिया के सबसे पवित्र बंधन में बंधे हैं। अब ऐसे वाले सुंदर रिलेशन की इच्छा एक दिन हमारे बाघ के मन में आई। बाघ के मन में कैसे आई? वो तो जानवर है मैम, वो तो किसी के भी साथ घूम फिर सकता है, रह सकता है, क्योंकि सारे रीति रिवाज पता है हमारे समाज में सिर्फ मनुष्य के जाति में बने हैं। जानवरों में ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं होता है कि वो इसके घर नहीं रह सकता, वो उसके साथ नहीं घूम सकता, वो वहां नहीं जा सकता, यहाँ नहीं रह सकता। जानवर है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, किसी को भी मार सकता है, होता है ना ऐसा, आपने कभी देखा है? लेकिन उनमें भी एक छोटी सी प्रथा होती है बेटा। बाघ है वो बाघ के ग्रुप में रहेगा, शेर शेर के ग्रुप में रहेगा, हिरण हिरण के ग्रुप में रहेगा, यानी कि समाज वहां भी चलता है ना। शेर जो होता है वो हाथी के साथ नहीं रहता है, ना हाथी की पार्टी में जाता है, उसी तरह जो चूहा होता है वो बिल्ली की पार्टी में नहीं जाता है, यानी वहां पर भी कैटेगरीज बढ़ती हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा नियम हमारे मनुष्य जाति के समाज में बने हुए हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा ही करना है, हमें इसके साथ ही रहना है, ये हमसे ऐसा बचा है, ये सब हमने बाद में बना लिए हैं। वरना जब ईश्वर ने मनुष्य जाति को इस धरती पे बनाया था तो ऐसे स्पेशल कोई नियम नहीं थे। हाँ, कुछ नियम उन्होंने फिर इसलिए बना के भेजे ताकि सभी लोग उन सुंदर बंधनों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहें। अगर ये नहीं होता तो मनुष्य भी क्या करता? जानवरों की तरह आज इस ग्रुप में, कल उस ग्रुप में, यहाँ से वहां घूम रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो किसी बंधन में नहीं है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फैमिली को पालने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आप देखिए, बहुत से जानवर ऐसे हैं बेटा जिसमें जब बेबीज होने वाला होता है तो जो फीमेल बर्ड होता है वो उसकी देखभाल करती रहती है, और जो मेल बर्ड होता है वो तो उड़ जाता है। तो उन जानवरों में ऐसा जब कोई बंधन नहीं होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है, तो वो लोग स्वतंत्र होते हैं। लेकिन चूंकि हम मनुष्य हैं, हम एक समाज में रहते हैं, एक सामाजिक प्राणी हैं, तो कुछ बंधन हमारे लिए बनाए गए हैं और वो हमारी सुरक्षा, हमारी अच्छाई के लिए बनाए गए हैं, जिसमें से एक बहुत प्यारा सा रिलेशन है ब्याह। अब बाघ के मन में ऐसी इच्छा क्यों आई? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, किसी जंगल में एक बाघ रहता था।
नॉर्मल सी बात है, बाघ है तो जंगल में ही रहेगा। एक बार वह जंगल में यहां वहां घूम रहा था, यहां वहां मतलब कभी इस वाले एरिया में, कभी उस वाले एरिया में, कभी खरगोन में है, कभी गोगावा में है, यहां वहां। यहां मतलब जस्ट आप जहां खड़े हैं वहां, उसको हम बोलते हैं यहां। और वहां मतलब आप उस स्थान के बारे में तो जानते हैं, लेकिन यहां से आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक बार वो जंगल में यहां वहां घूम रहा था, भाई इसको काम धंधा तो कोई है नहीं, कोई जॉब पे तो वो जाता नहीं है, कोई उसको पढ़ाई वढ़ाई तो करनी है नहीं, कोई फाउंडेशन है नहीं, ताकतवर जानवर है, यहां वहां घूम रहा था। तभी उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिया। कौन दिखा? ब्राह्मण। ये ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण सीधी सी बात, आप मंदिर में जाते हैं वहां पर पूजा पाठ करवाते हैं पंडित जी, वो जो धोती पहने रहते हैं बढ़िया, गले में अच्छा लंबा सा गमछा डालते हैं राम नाम का, और फिर वो पूजा करवाते हैं, आरती करवाते हैं मंदिर में। आपके घर में जब कोई गुड ओकेशन होता है, फिर वो आते हैं अपना पोथी पत्रा लेके, फिर उसमें से वो कुछ श्लोक पढ़ते जाते हैं और आप उनके अकॉर्डिंग काम करते जाते हैं। चलो गणेश जी पे पानी डालो, चलो अब उनको हल्दी डालो, अब ये कंकु लगाओ, अब उनको दूध दही से निलाओ। तो वो जो पूजा पाठ काम करवाने वाले होते हैं वो होते पंडित जी। लेकिन पंडित जो होते हैं उनका भी एक समुदाय होता है बेटा, जिसे ब्राह्मण वर्ग कहा जाता है। और पुराने जमाने में ब्राह्मण वर्ग के व्यक्तियों का काम ही होता था अलग अलग जगह हवन पूजा करवाना, विवाह आदि का कार्य करवाना, अर्थात सामाजिक प्राणियों से जुड़े हुए जितने भी उनके धार्मिक कार्य हैं वह करवाना उनका एक मूल कार्य था, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो उनका एक जॉब का हिस्सा था, है ना। उनका घर उसी से चलता था, उनकी आजीविका का साधन वही होता था, है ना। तो उसको एक ब्राह्मण दिखाई दिया जंगल, और उसमें ब्राह्मण जी दिख गए सामने शेर। वो ब्राह्मण किसी गांव से ब्याह कराकर लौट रहा था। पूरी सिचुएशन बता दे रही हूँ मैं आपको पहले स्टोरी की। एक बाघ है जंगल में रहता है, वो इधर उधर घूम रहा था, फिर उसको एक ब्राह्मण दिखा। वो ब्राह्मण, आप कहेंगे आपको कैसे पता, इसीलिए पहले बता रहे हैं ना। उसने जब बाघ को देखा तो वो पूरी तरह घबरा गया। देखिए आपकी बुक में पिक्चर दिया गया है बेटा, ये देखिए इस पिक्चर में देखा, बाघ सामने खड़ा है और ये ब्राह्मण देवता उसको देखकर उचक गए हैं। उचक गए मतलब घबरा गए हैं। सीधी सी बात है, हम जैसे ही घबरा जाते हैं ना तो बिल्कुल हमारे हाथ पैर जो होते हैं वो मूव करना शुरू हो जाते हैं, हिलने डुलने लग जाते हैं, और सबसे पहली कोशिश पता है हमारी क्या होती है? वहां से भाग जाने की, जिस चीज को देखकर हम घबरा रहे हैं, जिस स्थिति को देखकर हम घबरा रहे हैं, है ना। तो वो बहुत बुरी तरह से घबरा गए थे। अब क्यों घबरा गए थे? सिंपल सी बात है भाई, जंगल में सामने शेर बाघ आ जाएगा तो इंसान तो घबरा ही जाएगा ना। कोई वो मेरे समाज का तो है नहीं, मेरी जाति का तो है नहीं, जो वो मेरा फ्रेंड हो, क्योंकि हमें तो पता है जानवर का काम होता है भोजन करना, और अगर जानवर नहीं मिला है तो वो इंसान को भी खा सकता है, हमने बचपन से यही सुना है और जाना है। और बाघ तो एक जंगली जानवर है, जंगली जानवर फिर ये नहीं सोचता कि ये मनुष्य है, ये अच्छा मनुष्य है, ये जानवर है, इसको खाना है इसको नहीं खाना है, जब उसे भूख लगी है तो वो तो किसी को भी खा सकता है। तो बस ब्राह्मण देवता तो घबरा गए। अब बाघ है मनुष्य की तरफ बोलना जानता था। ओ माय गॉड, इतना बड़ा फैक्ट, इतना बड़ा झूठ, बाघ मनुष्य की तरफ बोलना जानता था। कहानी है, मेरे कहानी का बाघ बोलता है, आपके कहानी में जैसे सिंचन बोलता है ना, और आपके वो पता नहीं कौन कौन से वो छोटे से टॉम एंड जैरी, उसमें आपका टॉम और जैरी भी बोलते हैं ना, तो ऐसे ही मेरी स्टोरी का बाघ बोलता है। उसने ब्राह्मण से प्यार से पूछा, बाघ बोलता है और बड़े प्यार से पूछ रहा है, ब्राह्मण देवता आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? ओ माय गॉड, एक तो ये डरावना जानवर मेरे सामने आ गया है, जंगल में भागने की कहीं जगह भी नहीं है, और अब ये बोलता है और मुझसे पूछ रहा है बड़े प्यार से कि आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है? पेट में डालने का इरादा है क्या? मनुष्य है ना, उसका दिमाग तो बिल्कुल तेज गति से दौड़ने लग जाता है, वो कुछ भी सोचने लग जाता है। और अक्सर हमारी आदत होती है, जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है ना तो हमारा माइंड पॉजिटिव कम सोचता है, निगेटिव की तरफ ज्यादा भागता है।
बाघ के मुख से मनुष्य की बोली सुनकर ब्राह्मण को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कुछ संभल कर बोला। संभल कर मतलब उसने अपने आप को कंट्रोल किया, उसके अंदर जो घबराहट चल रही थी ना उसको उसने कंट्रोल किया। अरे ऐसा घबराए मत, अगर ये बोल सकता है तो ये मेरी बात को सुन भी तो सकता है। अब क्या हुआ देखिए, वो संभला और उसने बोलना शुरू किया। मैं पास के गांव में एक ब्याह करवा कर अपने घर लौट रहा हूँ। ब्राह्मण देवता ने बड़े प्यार से क्या बोला कि मैं पास के गांव में गया था एक व्यक्ति के यहाँ पर शादी का काम करवाने के लिए, है ना। तो उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वो जब उसने बाघ को बोलते हुए देखा तो वो समझ गया कि अगर ये बोल सकता है और इसने बड़े प्यार से मुझसे बात की है तो ये मेरी बात को समझेगा भी। लेकिन ब्राह्मण देवता यहाँ पर थोड़ा सा चूक खा गए। कैसे चूक खा गए, देखिए बेटा, बाघ ब्याह का मतलब नहीं समझ सका। बाघ ये तो समझ गया कि ये कहीं गए थे और कहीं से आ रहे हैं, लेकिन ब्याह करवा कर लौट रहा हूँ, ये ब्याह क्या होता है? क्योंकि उनके समाज में तो ब्याह होता ही नहीं था, शादी वादी उन्होंने कभी देखी ही नहीं जानवरों के राज्य में। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन सा काम है जो पंडित जी करवाने गए थे और वहाँ से अब उसके लिए इतने बड़े जंगल में से बेचारे मतलब रिस्क लेकर निकल रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट ही काम होगा। उसने ब्राह्मण से ब्याह का मतलब बताने को कहा। बेचारा बड़ा सीधा सा प्यारा सा बाघ था, तो उसने क्या बोला कि ब्राह्मण देवता थोड़ा ये बाघ का मीनिंग बता देंगे, मतलब ये क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है और जिसके लिए आप इतनी दूर गए थे, तो कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी ना इसकी। मरता क्या ना करता, ऐसा क्यों बोला? अब सामने बाघ खड़ा है और अगर वो कुछ पूछ रहा है तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। आप बिना जवाब दिए तो वहाँ से जा नहीं सकते हो, वरना वो बाघ जो है वो आपको अपना डिनर बना लेगा। ब्राह्मण कुछ साहस करके बोला। साहस क्यों? क्योंकि वो ये तो जानता था बेटा कि ब्राह्मण देवता जो है वो ये समझ गए थे कि बाघ है, जानवर है। अब इसको अगर मैं ब्याह का मतलब बताऊंगा भी तो इसको कैसे एक्सप्लेन करूं? इसने कभी देखा नहीं है, इनके समाज में जानवरों में ब्याह होता है नहीं है, तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूं तो कैसे बताऊं, कौन से शब्दों में समझाऊं? तो उन्होंने बहुत ईजी करा उस बात को और बड़ी हिम्मत से उन्होंने शॉर्टकट में क्या बोला कि एक पुरुष और एक स्त्री ब्याह के बाद में पति पत्नी कहलाते हैं। एक लाइन में उन्होंने ब्याह का मतलब एक्सप्लेन कर दिया कि ब्याह एक ऐसा काम होता है जो एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में होता है और ब्याह के बाद में वो दोनों क्या बन जाते हैं, पति पत्नी बन जाते हैं, है ना। अरे वाह, फिर तो ब्याह करना अच्छा विचार है। बाघ क्या बोला पोपटलाल की तरह, अरे वाह, ब्याह करना तो अच्छा विचार है। ऐसा क्यों उसने बोला, सोच सकते हैं? बहुत सरल सी बात उस प्यारे से बाघ के मन में आई कि अगर एक पुरुष और एक स्त्री शादी के बाद में, ब्याह करने के बाद में पति पत्नी कहलाते हैं, यानी कि उनको पूरी लाइफ के लिए एक पार्टनर मिल जाता है जो पूरा जीवन उनके साथ रहेगा सुख में दुख में, तो मुझे भी ऐसे अकेले यहाँ वहाँ नहीं घूमना पड़ेगा, हम दोनों साथ में घूमेंगे, शिकार भी साथ में करेंगे, है ना। तो ऐसा सोचकर बाघ ब्राह्मण से बोला, क्या बोला, पेज नंबर देखिए, हम 26 पर आ चुके हैं, है ना, सेकंड पैराग्राफ पे है। मैं भी ब्याह करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए एक जीवन साथी ढूंढ देंगे? ओ माय गॉड, ये क्या काम है, एक तो पहले बाघ, अब ये बोलता भी है, इसको ब्याह का मीनिंग बताऊं और अब इसके लिए एक लाइफ पार्टनर भी ढूंढूं, ये तो बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई है। बाघ ने इजीली सिंपली बोला, क्या आप मेरा भी ब्याह करा देंगे, मेरे लिए भी एक पार्टनर ढूंढ देंगे? ऐसा होता है,
है ना। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन जो होता है ना, कई बार छोटे बच्चे पूछते हैं जब भी मम्मी पापा की शादी का एल्बम देखते हैं, छोटा वाला जो भाई बहन कभी देखना तो वो बोलेंगे अरे ये क्या हो रहा है, मम्मी पापा की शादी हो रही है, देखो मैं तो इसमें था ही नहीं, आपने क्यों करी बेटा। उसके बाद में हमको एक पार्टनर मिलता है तभी तो हम पति पत्नी बने, तो मेरी भी करवा दो। कई बार मैंने देखा छोटे बच्चे बोलते हैं मम्मी मुझे भी शादी करना है। अरे बेटा शादी का मतलब तो समझो, शादी या ब्याह का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक पार्टनर मिल गया या आप हस्बैंड वाइफ बन गए। उसके बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, वो एक सामाजिक बंधन है, वो ऐसे नहीं किया जा सकता है ना। बाप की बात सुनकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ, क्या हुआ आश्चर्य हुआ, लेकिन वह हाँ कहकर तेजी से घर की ओर चल पड़ा। क्या करा उसने, वह तेजी से वहां से निकल पड़ा। ठीक है, क्यों, ओ माई गॉड, एक तो इसको ब्याह का मीनिंग मैंने बता की गलती कर दी, इसको अब ये समझ में आ गया कि शादी के बाद में दो लोग हो जाते हैं, अब इसको भी अपना साथी चाहिए पूरे जीवन के लिए। इंसानों के लिए तो पार्टनर ढूंढना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि दो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं, थॉट्स जो होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बड़ी मुश्किल से मैच करते हैं। अब इस बाप के हिसाब का ही इसका पार्टनर ढूंढने के लिए मुझे जंगल में घूमना पड़ेगा, हर बाघ से बात करनी पड़ेगी। इस बाघ को देखकर जरूरत नहीं कि सब बाघ अच्छे ही होंगे, नॉर्मल सी बात है, बाघ के लिए अगर पार्टनर ढूंढना है तो मुझे बाघ का जो ग्रुप है उसमें जाना पड़ेगा। अब टाइगर के ग्रुप में जाकर के मुझे जान गंवानी है, मान लो किसी और दूसरे वाले बाघ को गुस्सा आ गया और मुझे खा गया तो डर गया वो तो भयंकर। अब क्या हुआ देखो, वो उसने बोला हाँ ठीक है ढूंढ दूंगा, जान इससे बचाओ, हाँ हाँ तुमको मैं ढूंढ दूंगा और जब होगा तब बता दूंगा। फटाफट वो घर की ओर निकल गया। उसने सोचा इसको मैंने बोल तो दिया है मैं अब दूसरी बार इस जंगल में कभी नहीं आने वाला हूँ, ना मैं आऊँगा ना मुझे ये बाघ मिलेगा, ना इसको कहीं याद रहेगा, ना मेरे को इसको शादी वादी कराना है, मैं तो जाऊँ अपने घर में चुपचाप बैठ जाऊँ। और ये सोच के वो वहां से उसको यस करके अपने घर की तरफ आ गया। ब्राह्मण अभी घर के दरवाजे पर ही पहुंचा था कि उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। क्या हुआ, अभी तो मैं गेट में भी नहीं गया हूं, है ना। बाघ जैसे जानवर से पीछा छुड़ाकर जैसे तैसे घर की तरफ गया, और वो अभी घर में उसने गेट पे एंट्री भी नहीं की और उसको कुछ सुनाई दिया। ब्राह्मण देवता मैं अपने ब्याह के लिए कब आऊं, ओ माय गॉड ये आवाज तो उस बाघ की है, इसका मतलब ये अपना ब्याह करवा के मानेगा, ये नहीं रुकने वाला है, अब मैं क्या करूं, इसका ब्याह मतलब मेरे लिए तो बड़ी मुसीबत हो गई है। मुझे लगा था कि मैं इसे जंगल में छोड़ आया हूँ तो बस ये वहीं के वहीं वो बात को भूल जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो हम पढ़ेंगे, लेकिन हमने अपना पाठ शुरू किया है ना, तो कुछ कठिन शब्द तो बनते हैं, तो हम बोर्ड पर कुछ कठिन शब्द लिख रहे हैं बेटा, आप उन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और 2 से 3 बार लिखेंगे, ठीक है। होमवर्क है, क्या है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कठिन शब्द हम नहीं लिख रहे हैं, आपको हमने दिया है, आप लोग इस पार्ट में से पहले ढूंढ के शब्द लिखकर हमें बताएंगे, फिर उन शब्दों को हम अपनी क्लास में दोहराएंगे। तो वो ब्राह्मण देवता अभी सिर्फ घर के गेट तक गए हैं, अब वहां जाने के बाद में उनके साथ आगे स्टोरी में क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी उत्सुकता को बनाए रखना पड़ेगा कि बाघ और ब्राह्मण देवता मिल लिए हैं, बाघ ने उनको काम दे दिया है अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने का। अब स्टोरी में आगे क्या क्या आने वाला है वो हम आपको इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिनिश करवाएंगे।
ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इस स्टोरी को पढ़कर रखिएगा ताकि जब हम इसे एक्सप्लेन करें तो हमारे अंदर का वो इंटरेस्ट जो है वो बना रहे, है ना। तो हम अपनी आज की हिंदी की क्लास इस होमवर्क के साथ में फिनिश कर रहे हैं बेटा, और भूलिएगा नहीं अगली वाली क्लास में हमें चैप्टर को पढ़कर आना है और इन शब्दों को साथ में लेकर आना है, ठीक है। तो अपनी अगली क्लास तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।